द ग्रीफन वेब सीरीज सेशन वन एपिसोड नंबर वन। तो एपिसोड नंबर वन शुरू होता है जहां पर हम लोग एक छोटे बच्चे जिसका नाम मार्क होता है उसे उसके रूम के अंदर सोते हुए देख, जिसकी नींद किसी डरावनी आवाज के कारण एकदम से खुल जाती है। इस चीज से मार्क काफी ज्यादा डर जाता है, मगर उसी टाइम से भी ज्यादा डरे हुए उसके डैड उसके रूम में आते हैं और वो जल्दी से उस मार्क के बड़े भाई जिसका नाम थॉमस होता है दोनों को ही लेकर अपने घर को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। मगर जाने से पहले मार्क के डैड कार्ल घर में रखी सभी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ देते हैं, मानो जैसे उनको इन मूर्तियों से ही सबसे ज्यादा खतरा है। और साथ में वो अपने घर से ही एक बुक ले लेते हैं जिसका नाम वो क्रॉनिकल बताते हैं, और इस बुक को संभालने की जिम्मेदारी वो थॉमस को देकर घर से अपने बच्चों को लेकर अपनी कार से बाहर निकलने लगते हैं। मगर बीच रास्ते में ही कार्ल की वाइफ और इन दोनों बच्चों की मॉम कार के आगे कार्ल को उनके बच्चों को साथ में ले जाने से रोकती है, मगर कार्ल फिर भी जबरदस्ती कार को साइड से निकालते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और वो सीधा ही एक जगह पर पहुंचते हैं जो कि कार्ल का वर्क स्पेस है जहां पर वो काम करते हैं। मगर अब जैसे ही मार्क अपने डैड कार्ल को पास देकर उनको बुलाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उनके डैड का सर बुरी तरह से जल रहा है, और इसी पॉइंट मार्क की एकदम से नींद टूट जाती है। असलियत में ये सब मार्क केवल अपने सपने के अंदर देखकर अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होना शुरू हो जाता है। और अब जब वो अपने रूम से नीचे आकर देखता है तो उसकी मॉम सोफे पर ही सो रही होती है, क्योंकि मार्क की मॉम जिनका नाम पेट्रा है वो पेशे से एक नर्स है और वो अभी अभी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर आई है। और जिस समय ये स्टोरी चल रही होती है वो समय 1994 का होता है। मार्क की सबसे फेवरेट हैबिट ये है कि उसको म्यूजिक सुनना काफी ज्यादा पसंद है, और अपने इसी पैशन के चलते मार्क ने एक छोटा सा म्यूजिक कैसेट्स का स्टोर भी खोला है जिसे वो अपने भाई थॉमस के साथ मिलकर चलाता है स्कूल के साथ ही। और आज मार्क जब अपने स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उनकी उसकी क्लास में एक बैकी नाम की एक नई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। बैकी को देखते ही मार्क पहली नजर में ही उसे पसंद करना शुरू कर देता है। तो अब मार्क की आज के दिन की पहली क्लास शुरू होती है और मार्क अपनी क्लास में भी अपना म्यूजिक सुनता हुआ ही पहुंचता है, जिसे देखकर उसका टीचर मार्क से काफी रूडली तरीके से उसका म्यूजिक बंद करने के लिए बोलता है, और साथ में वो उसे इस बात के लिए वॉर्न भी करता है कि खबरदार अगर उसने म्यूजिक के बारे में सोचा भी तो। अब इस बिहेवियर से मार्क को भी अच्छा नहीं लगता तो वो अपने टीचर को जवाब दे देता है, जिस चीज से अब उसका टीचर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब मार्क को सबक सिखाने के लिए उसके साथ पर्सनल होना शुरू हो जाता है, जिसमें वो उसका कंपैरिजन उसके भाई थॉमस के साथ करता है, क्योंकि कुछ समय पहले मार्क का बड़ा भाई थॉमस भी इसी स्कूल में पढ़ता था मगर उसने उसके टीचर पर हाथ उठा दिया था, इस कारण से उसे इस स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया था। और अब तक मार्क भी इन सभी बातों से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और मार्क की इसी प्रॉब्लम के कारण इस स्कूल में मार्क का एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मार्क को भी उसके भाई के जैसा ही गुस्सेल समझते हैं जो गुस्से में आने पर कुछ भी कर सकता है। खैर अब स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर मार्क से मिलने उसका भाई थॉमस आता है, क्योंकि आज थॉमस का जन्मदिन है और आज वो 16 साल का हो गया है। और इन दोनों की बातों से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हैं। मगर साथ में हमें ये बात भी पता चलती है कि थॉमस मार्क और उसकी मॉम के साथ उनके घर में नहीं रहता है, वो इन दोनों से दूर रहता है। मगर आज जब मार्क का बर्थडे है तो थॉमस के पूछने पर मार्क उसे ये बोलता है कि उसको कल रात टाइम निकाल कर घर आकर मॉम के साथ डिनर करना है और यही उसका असली बर्थडे गिफ्ट होगा उसकी तरफ से। तो अब थॉमस भी मार्क का बर्थडे होने के कारण उसे इस चीज के लिए मना नहीं करता है और वो कल रात उसके घर आने के लिए हाँ कर देता है। अब इसी के बाद मार्क और थॉमस दोनों ही अपने म्यूजिक स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर हम लोग एक मीमो नाम के एक और दूसरे लड़के को देखते हैं, और ये मीमो मार्क और थॉमस का ये स्टोर चलाने में उनकी मदद करता है, मतलब एक तरीके से वो यहाँ पर जॉब करता है। और ये मीमो एकदम अलग तरह की पर्सनैलिटी है जिसका नेचर एकदम बेफिक्र टाइप का है, मगर थॉमस जो मीमो को काफी ज्यादा भरोसेमंद और वफादार समझता है इसलिए वो उसको अपने साथ हमेशा रखना चाहता है, और साथ में मीमो कम पैसों में ज्यादा काम भी करता है। अब स्टोर के अंदर ही थॉमस मार्क को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, और अब ये गिफ्ट और कुछ नहीं जो हमने स्टार्टिंग में मार्क के सपने में देखा था, उसके डैड की वो क्रॉनिकल बुक वो ही होती है। अब इस बुक को देखकर मार्क काफी ज्यादा गुस्सा होता है थॉमस के ऊपर, क्योंकि इन दोनों की लाइफ में इस बुक के कारण काफी कुछ गलत हुआ है, और इस बुक के अंदर एक अलग ही दुनिया जिसका नाम ब्लैक टावर है उसके बारे में लिखा हुआ है, और इनके डैड का दिमाग भी इसी बुक के कारण खराब हुआ था, और थॉमस भी जो घर छोड़कर अब उनसे दूर रह रहा है वो भी इस बुक के कारण। मगर थॉमस दोबारा से मार्क को ये विश्वास दिलाता है कि इस बुक के अंदर जो
भी लिखा है वो सब कुछ सच है, क्योंकि ये बुक उनके पूर्वजों की है। और जब भी उनके खानदान में कोई भी 16 साल का हो जाता है तो उसे ये बुक गिफ्ट में दी जाती है। और अब मार्क को भी इसी सफर के लिए खुद को रेडी करना ही होगा, क्योंकि उन्हें ब्लैक टावर अपने पास बुला रहा है। मार्क को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है कि थॉमस ब्लैक टावर नाम की जगह को कैसे सच मान सकता है, जो केवल इस बुक के अंदर लिखी हुई है और उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और उसको साफ लगता है कि ये सारी बातें थॉमस के दिमाग के अंदर उसके डैड ने ही डाली है, जो खुद भी इस बुक को लेकर एकदम पागल हो रखे थे। तो अब मार्क थॉमस को ये बात बोलता है कि अगर वो उसको इस बात का प्रूफ दे दे कि इस बुक में लिखी एक भी बात सच है, तो वो मान लेगा कि इस बुक में जो भी लिखा है वो सच है। तो इसके लिए भी थॉमस मान जाता है, पर वो उससे पहले उसके आगे ये कंडीशन रखता है कि प्रूफ देने से पहले उसको ये बुक पढ़नी होगी और साथ में आज उसे इस बुक के ऊपर साइन भी करने होंगे। तो बेन भी इस बात का फायदा उठाकर थॉमस के आगे एक कंडीशन रख देता है कि वो इस बुक पर केवल एक कंडीशन पर साइन करेगा कि अगर वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया तो वो दोबारा से कभी भी इस बुक के बारे में ना तो बोलेगा और ना सोचेगा। तो थॉमस भी इस चैलेंज के लिए हाँ कर देता है। अब जिस समय मार्क उस बुक के ऊपर साइन कर रहा होता है तो वो अपने अंदर नोटिस करता है कि कुछ अजीब हो रहा है, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। अगर थॉमस उसे बताता है कि जब उसने साइन किया था तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगा था। और अब नेक्स्ट स्टेप में मार्क को ये बुक पढ़नी है। दूसरी तरफ बैकी जो अभी अभी दूसरे देश से इस देश में शिफ्ट हुई है अपने डैड के घर स्टडी करने के लिए, उसे देखकर भी साफ पता चलता है कि वो यहाँ पर आके बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसको जबरदस्ती यहाँ पर भेजा गया है। और बैकी भी म्यूजिक को लेकर काफी ज्यादा पागल है, उसका हाल भी सेम टू सेम मार्क की तरह ही है। मगर आज जब वो अपना सामान अनपैक कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी एक फेवरेट म्यूजिक कैसे ट्रैवल करते समय अपने आप पूरी तरह से टूट गई है। और इस चीज से बैकी इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो रोना ही शुरू कर देती है। मतलब इसका म्यूजिक को लेकर कितना ज्यादा लगाव है वो इस बात से पता चलता है। दूसरी तरफ मार्क अपने घर पहुंचते ये बात अपनी मॉम को बताता है कि कल रात थॉमस उनके साथ यहाँ पर लंच करने आने वाला है। ये बात सुनकर मार्क की मॉम पेट्रा भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो अब पेट्रा भी अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाती है। तो अब घर में अकेले होने के कारण मार्क अपनी आदत के अनुसार म्यूजिक सुनना शुरू कर देता है और वो काफी देर तक म्यूजिक सुनता रहता है। मगर इस समय वो क्रॉनिकल बुक मार्क के सामने ही रखी होती है जो उसके भाई ने उसे पढ़ने के लिए दी है। तो अब कुछ समय बाद ही मार्क म्यूजिक को छोड़कर उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है और इस बुक के अंदर जिस दुनिया के बारे में बताया गया उस दुनिया का नाम ब्लैक टावर नाम की एकदम अलग दुनिया के बारे में बताया गया है, जहाँ पर काफी सारे सींग वाले स्लेव हंटर्स और काफी अलग तरीके के खूंखार कीड़े और जानवर पाए जाते हैं जो काफी खतरनाक है। और साथ में इस बुक के अंदर उस जगह तक पहुंचने का मैप भी दे रखा है कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई पहुंचता है तो उसको ब्लैक टावर तक किस तरह से पहुंचना है। इस जगह को कंट्रोल करने वाला एक राक्षस है जिसका नाम ग्रिफन है और वो ही इस जगह को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगर उसकी इच्छा ये है कि वो किसी तरह से इंसानों की भी इस दुनिया में आकर यहाँ पर राज करना चाहता है। और ग्रिफन की सबसे बड़ी पावर यही है कि वो अपनी पावर से पत्थरों को कंट्रोल कर सकता है और वो इंसानों के दिमाग से भी छेड़छाड़ कर सकता है। अब मार्क को ये बुक काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती है तो वो इस बुक को बंद कर देता है। लेकिन बुक बंद करते ही सेकंडों के अंदर ही खुद को बुक की उस जगह के अंदर ही पाता है जिस जगह के बारे में अभी अभी बुक के अंदर मार्क ने पढ़ा था। और ये सब मार्क का कोई सपना नहीं होता है। अब ये जगह एकदम डरावनी होती है जो काफी ज्यादा डार्क और चारों तरफ यहाँ पर बोन और स्कल ही पड़े होते हैं। और दूसरी तरफ से मार्क की तरफ एक काफी खूंखार आवाज आती है। तो मार्क उस आवाज को सुनकर डर के वहां से भागना शुरू कर देता है। मगर देखने पर मार्क को पता चलता है कि जो चीज उसका पीछा कर रही है वो कोई और नहीं, वही स्लेव हंटर है जिसके बारे में उसने अभी अभी बुक में पढ़ा था। और भागते समय मार्क एक काफी बड़े होल के अंदर गिर जाता है और अब वो हंटर मार्क के पास आकर अपने हथियार से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए मार्क चिल्लाता हुआ अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है। मगर दोबारा से अब मार्क पाता है कि वो फिर से अपने उसी रूम के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग मार्क के कुछ क्लासमेट्स को देखते हैं जिसमें एक में सारा और बेन जो कि आपस में रिलेशन के अंदर है। मगर सारा जो एक काफी अमीर घर की लड़की है वो बेन और अपने रिलेशन को सबके सामने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है और वो अपने बाकी दोस्तों के आगे इस तरह से व्यवहार करती है कि जैसे वो बेन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। और इस चीज से बेन भी काफी ज्यादा बुरा फील करता है, मगर उसका नेचर ऐसा है कि वो सारा की इस बात को भी एकदम इग्नोर करता है। मगर अब बेन अपने सभी दोस्तों को ये बात बताता है कि वो एक पार्टी अरेंज करने वाला है जिसके अंदर सबसे बेस्ट डीजे डैब आने वाला है। असलियत में बेन का ये ड्रीम है कि वो किसी भी तरह से डीजे डैब का साथी बनकर इस जगह से बाहर जाकर वर्ल्ड टूर करना चाहता है। और अगर वो अपनी ये पार्टी
पार्टी अच्छी तरह से अरेंज कर देता है तो डीजे डैब उसको अपना असिस्टेंट बना लेगा। और इसी दिन बैकी जो अभी अभी इस स्कूल के अंदर आई है उसकी भी सारा से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बैकी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है और वो सारा के होमवर्क में उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। मगर बैकी भी माइक को नोटिस करना शुरू कर देती है और देखकर ऐसे लगता है कि बैकी को भी माइक पसंद आने लगा है। मगर जब सारा ये बात नोटिस करती है तो वो बैकी को समझाती है कि उसको मार्क से दूर रहना चाहिए, कि माइक की पूरी फैमिली काफी ज्यादा गुस्सेल है। उसके भाई ने भी अपने गुस्से के कारण पहले एक टीचर को मारा था और यही कारण है कि मार्क का एक भी दोस्त नहीं है और मार्क को भी दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसके बाद भी बैकी माइक को लेकर अभी भी उतना ही इंटरेस्टेड है। मगर यहाँ माइक जब से उसके साथ रात वो इंसिडेंट हुआ है जिसमें वो उस दुनिया के अंदर पहुंच गया था, तभी से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है उन सभी चीजों को लेकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो असली था या केवल उसके दिमाग का वहम। और ये चीज उसके साथ इतनी ज्यादा होने लगती है कि वो आज की क्लास बीच में ही छोड़कर वहां से फ्रस्ट्रेट होकर निकलने लगता है। पर अब बैकी खुद ही जाते हुए माइक को रोककर उससे मिलती है और इसी पॉइंट पर इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों दोबारा से मिलेंगे। अब मार जाकर सीधा ही एक थेरेपिस्ट से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर पीटर होता है। असलियत में मार अपने गुस्से के कारण इस थेरेपिस्ट से डॉक्टर पीटर से 3 साल का कोर्स कर रहा है और आज मार्क का ये लास्ट सेशन है, इसके बाद उसका ये सेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब मार्क उस डॉक्टर को ये बात भी बताता है कि उसने अपने डैड की वो बुक को पढ़ा था और उसने कुछ ही सेकंडों में ये पाया कि वो उस दुनिया के अंदर पहुंच गया और उसको ये ऐसा लगता है कि वो सब कुछ वहम नहीं था, वो सब कुछ असली था। पर ये बात सुनकर डॉक्टर पीटर मार्क को ये बात समझाते हैं कि ये सब उसका केवल हेलुसिनेशन है और उसका दिमाग केवल उसके साथ ये सब कुछ प्ले कर रहा है और उसे वो सब कुछ बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। साथ में वो उसे ये भी सलाह देते हैं कि उसको उस बुक से और उसके भाई की उन सारी बकवास बातों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। इस बात को पूरी तरह से मानकर अपना सेशन खत्म कर सीधा अपने स्टोर आ जाता है और वो सीधा ही अब अपनी वो बुक अपने भाई थॉमस को देता है और वो उसे बताता है कि उसने उस बुक को पढ़ लिया और उसने अपना वादा पूरा कर लिया और उसे लगता है कि इस बुक में जो भी लिखा है वो केवल एक पागलपन है और कुछ नहीं। और वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग थॉमस को भी ये बात समझाने की कोशिश करता है कि जो सब कुछ उनके साथ होता है वो सब कुछ हेलुसिनेशन है और उनका वहम है जिसे उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। मगर थॉमस तो आज रात डिनर के बाद माइक को प्रूफ भी दिखाने वाला है, इस बुक की बातों को सही साबित करने वाला। मगर इसी टाइम मार्क के स्टोर में बैकी भी आती है क्योंकि उसको उसके लिए एक म्यूजिक कैसेट खरीदना है। तो अब दोबारा से स्टोर के अंदर बैकी और मार्क की मुलाकात होती है और यही बातों से इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों की पसंद म्यूजिक को लेकर एक जैसी है। तो अब बैकी मार्क को ये बात समझाती है कि वो इस शहर में नहीं है तो क्या वो उसके साथ अभी कहीं घूमने बाहर चल सकता है। तो मार्क भी इसके लिए मान जाता है तो वो बैकी को लेकर सीधा ही अपने स्टोर के रूफ के ऊपर जाता है जहाँ उसने बैठने का काफी अच्छा इंतजाम कर रखा होता है। और अब वो यहीं पर बैकी को बर्गर बनाकर भी खिलाता है। और कुछ ही टाइम बाद जब मार्क का स्टोर खाली हो जाता है तो वो दोनों स्टोर के अंदर जाकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं म्यूजिक के साथ, जिस कारण से अब ये दोनों और ज्यादा करीब आ जाते हैं। मगर इसी बीच मार्क को ये भी याद आता है कि आज उसको जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि थॉमस मॉम से मिलने उसके घर आने वाला है। तो मार्क जल्दी से घर पहुंचता है जहां वो देखता है कि पहले ही थॉमस घर आ चुका है और वो मॉम के साथ बैठकर बातें भी कर रहा है और मॉम भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश है। तो अब वो तीनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। मगर ये बात होते होते एक अलग ही तरफ मुड़ जाती है जिसमें अब पेट्रा थॉमस को उसकी पुरानी बातें याद लाना शुरू कर देती है। अब इन बातों से थॉमस भी अपनी मॉम को ये बात याद दिलाता है कि उसी ने उसको पागल खाने भेजा था। असलियत में थॉमस काफी समय तक पागल खाने रहकर आ चुका है और उसको पागल खाने भेजने वाली उसकी मॉम ही थी। और अब इन बातों के होते माहौल काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है और सब कुछ एक सेकंड के अंदर खराब हो जाता है। तो थॉमस दोबारा से गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है और अब वो सीधा ही माइक को लेकर प्रूफ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और ये वही जगह होती है जहां पर माइक और थॉमस के डैड कार्ल अपना काम थे और ये जगह उनकी वर्क स्पेस थी। अब इस जगह पर पहुंचते ही माइक काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अंदर जाने से बिल्कुल मना कर देता है। मगर थॉमस उसे ये बात बोलता है कि अगर उसको सबूत चाहिए तो उसको उसके साथ अंदर चलना पड़ेगा। तो थॉमस उसको अंदर ले जाने के लिए सबसे पहले उसको लेकर उस जगह की छत के ऊपर चढ़ता है और वो वहाँ की विंडो खोलकर जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक काफी बड़ी जगह है जहाँ पर काफी सारा
ऐसा सामान रखा है कि जैसे ये जगह लोगों को बचाने के लिए बनाई गई है। और थॉमस के अकॉर्डिंग इस जगह का यही काम था कि किसी भी तरह से ग्रिफन से लोगों को बचाया जा सके। और साथ में अब थॉमस माइक उनके डैड का एक पुराना बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर उनके डैड काल का काफी सारा सामान होता है और इसी में एक और छोटा बॉक्स होता है जो अंदर से एकदम खाली होता है। और इस बॉक्स के अंदर जिस चीज को रखने की जगह होती है वो सेम टू सेम एक ऐसे डिवाइस की होती है जो घर बनाने में काफी काम आता है। और थॉमस के अकॉर्डिंग इस डिवाइस का नाम द लॉट है और ये दुनिया का एक लौता डिवाइस है जो ग्रिफन को जान से मार सकता है। मगर उनके डैड ने द लॉट को पहले ही कहीं पर छुपा दिया है और वो काफी समय से उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है मगर उसे अभी तक ये चीज नहीं मिली। मगर जिस समय माइक ने वो बॉक्स अपने हाथ में पकड़ रखा होता है उसी टाइम उस बॉक्स में से एक सुई आकर माइक की उंगली पर लगती है जिसका ब्लड जब उस बॉक्स पर लगता है तो ऑटोमेटिकली उस जगह के फ्लोर में से टाइल खुल जाती है और देखने पर उन्हें पता चलता है कि द लॉट जिसे थॉमस ढूंढ रहा था वो इसी के अंदर है। और अब जब द लॉट को मार्क अपने हाथों में लेता है तो मार्क देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो लॉट मार्क के हाथों में इस तरह से रिएक्ट करने लग जाता है जैसे वो जिंदा है और वो उसकी बॉडी से एकदम कनेक्ट है। तो थॉमस मार्क को ये बात समझाता है कि इस लॉट को उसके ब्लड के साथ कनेक्ट किया गया है और वो केवल उसी के साथ काम करेगा। द लॉट को ऐसा बिहेवियर देखकर माइक को भी समझ में आ जाता है कि थॉमस की बातों में और उस बुक की लिखी हुई सभी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। और अब थॉमस मार्क को ये बात भी समझाता है कि उन लोगों को ब्लैक टावर की दुनिया में जाकर किसी भी तरह से ग्रिफन को मारना होगा और उसको उसका साथ इस चीज में देना होगा क्योंकि अगर उन लोगों ने वहां जाकर उसे नहीं मारा तो वो इस दुनिया में आकर उन लोगों को मार डालेगा। और इसी के लिए उनके डैड काल भी काम कर रहे थे और साथ में उनके पूर्वजों ने भी ग्रिफन को मारने के लिए ही अपनी जिंदगी दे दी थी। मगर मार्क इस सब के लिए साफ मना कर देते क्योंकि उसे इस सब चक्करों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो ये बात सुनकर थॉमस भी मार्क से दोबारा से वो द लॉट ले लेता और वो उसे वापस उस जगह से बाहर लेकर निकलने लगता है क्योंकि थॉमस तो जरूर ग्रिफन को मारने ब्लैक टावर जरूर जाएगा। मगर अब वो जैसे ही बाहर रूफ के ऊपर दोबारा से आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कुछ हलचल होने लगी है और सामने रूफ के ऊपर जहाँ पहले कुछ भी नहीं था अब वो मूर्ति जो नीचे थी वो अपने आप ऊपर आ गई है। और ये देखकर मार्क काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि रूफ के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति अपने आप कैसे आ सकती है। तो वो दोनों भाई जल्दी से रूफ से उतरकर वहां से निकलने के लिए अपने कार की ओर जाने लगते हैं। मगर तभी वो मूर्ति दोबारा से अब ऊपर से सीधा ही नीचे कूद जाती है जैसे उस मूर्ति के अंदर जान आ गई है और अब वो पत्थर की मूर्ति उन दोनों भाइयों पर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर अब दोबारा से उसी जगह पर लगी हुई एक और मूर्ति जिसके हाथ में तलवार होती है वो भी जिंदा हो जाती है और अब वो सीधा ही आकर उस पहली मूर्ति से फाइट करना शुरू कर देती है जो मार्क और थॉमस को मारने की कोशिश कर रही थी। मानो जैसे ये दूसरी मूर्ति उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब दोनों भाई खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपने डैड की उस वर्कशॉप के अंदर जाकर छुप जाते हैं और इस समय बाहर वो दोनों मूर्तियां काफी बुरी तरह से आपस में लड़ रही होती। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।